हाय मेरे दोस्त, आज हम सबसे पहले वज्र गुणन का फार्मूला लिखने के लिए बताएंगे। तो चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसमें यहाँ से चलेंगे लेकर के बी वन बी टू बी टू सी वन सी टू ए वन ए टू बी वन बी टू, इस प्रकार से लिखेंगे। और क्या करेंगे हम, तिरछा तिरछी जो है मिला देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ क्या करेंगे, एक्स लिख देंगे, यहाँ वाई लिख देंगे, और यहाँ क्या करेंगे, वन लिख देंगे इस प्रकार से। तो चलिए हमारा जो है अब फार्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। अब तैयार हो चुका है फार्मूला लिखने का। थी यहां से चलेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे एक्स, एक्स लिख लेंगे यहां से। उसके बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से मिल रहा है क्या क्या, तिरछा तिरछी चिन्ह को देखना है। तो यहाँ से देखेंगे क्या, बी वन, और किससे मिल रहा है, सी टू से। तो यहाँ से लिखेंगे बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इजकल टू, अवर जो है इसमें चलेंगे। तो यहाँ जो मिल रहा है हमको कितना मिल रहा है, बाई मिल रहा है इस प्रकार से। और उसके बाद जो है यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि सी वन और ए टू मिल रहा है। तो सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इस प्रकार से इजकल टू, अवर जो देखेंगे यहाँ पे इस सामने चलेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा वन बटे, यहाँ भी तिरछा तिरछी चलेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं इसको मिलाएंगे, तो मिल रहा है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। तो इस प्रकार से जो है वज्र गुणन का जो फार्मूला है हमें तैयार हो चुका है। तो यहाँ से क्या प्राप्त कर लेंगे, तो दो, अगर जो दो समीकरण दिया जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी वन ए वन ये सब का जो है मान हम पहले प्राप्त कर लेंगे। और ये फॉर्मूला जो है इसमें हम क्या करेंगे, ये ए का बी का रख लेंगे मान, तो जो है एक्स और बाई का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।